नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य ज्ञान सवाल जवाब पार्ट फर्स्ट। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और हमारा पार्ट फर्स्ट है। हमारे पार्ट आते रहेंगे, स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया, बिहार में है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू, आसाम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। और हाल ही में एक पद और सृजित किया गया है, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट करना है। इन तीनों सेनाओं को नियंत्रित करता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए, यानी रतौंधी आंखों से संबंधित रोग है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु। किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के त्यौहार हैं? तमिलनाडु के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड के नाम से जानते हैं जिसे आप। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी पहली महिला शासिका? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो यह गलपड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 में अमृतसर में हुआ था, पंजाब में है अमृतसर। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? यानी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और उसके बाद उसने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है?
यानी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था 1857 की क्रांति। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट को दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र। वास्को डी गामा भारत कब आया था? जो वास्को डी गामा है वह भारत कब आया था? यह आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में आया था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा जाता है? नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस?
8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। कौन सा देश है? जापान। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको, गोवा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। किस राज्य का है ओणम? केरल राज्य का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। कौन सा है? बाघ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।